वेलकम है यूट्यूब चैनल, आपका एक बार स्वीट से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइज आज की होने वाली संडे राइड, तो डीमन को जैसे कि उन्होंने देख सकते बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे लगा हुआ था। पहले इसको मेरे को बाहर निकालना पड़ा, फिर मैंने उसको निकाला बाहर। तो अभी उसको कॉल स्टार्ट करता हूँ, कॉल स्टार्ट करने के बाद मैं मिलता हूँ आपको अपने बाइक पर चलते हुए। तो व्लॉग को फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन, तो मिलता हूँ बाइक पर। यार गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, मीटिंग पॉइंट था हमारा 6 बजे का और अभी मैं निकल रहा हूँ घर से 6:30 बजे। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, अभी सामने से जाके राइट मारूंगा। तो राइट जाने के बाद सामने स्ट्रेट ही अपना हाईवे दिखेगा, फिर कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सीधा ही वहाँ पर चौकी मारेंगे। फिर जिनको पता होगा मेरा विंड ग्लास बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बात नहीं कर पाऊँगा तो अभी वॉइस ही बंद करना पड़ेगा मेरे को। आगे निकल चुके हैं अब, टीपी के लिए इसमें शायद निकाला नहीं है, नहीं निकाला।
तो यार अभी भाई मैं कुछ ऑर्डर फिर कर रहा हूँ, अभी रुक कर यहाँ पर उसका वेट कर रहा हूँ। तो जब वो आएगा फिर से कंटिन्यू राइड। राइड बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है यार। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, पीछे पेट्रोल पम्प नहीं था और मेरा एक और सीन हो चुका है कि उसकी बैटरी गोप्रो की पूरा हैंग हो गया था, तो फिर उसको मैंने चार्ज किया। आज का दिन तो बहुत स्पेशल है हमारे लिए, सारी अभी बाद में रिव्यू कहूँगा। 1015 600 600 तो अपनी कावासाकी ये बहुत एक्सपेंसिव है, और एनएस प्रिंस की गाइजर वगैरह कावासाकी वगैरह और वाओ। सो भाई अपनी ड्रीम बाइक थी ZX10R और एक और है S1000। तो यार ये तो मेरे को बहुत एक्सपेंसिव लगती है। एक तो ये चीज़ जो शोकर भाई बहुत बड़ी इसकी डिस्क है, तो यहाँ पे यार बहुत बड़ी इसकी डिस्क है। अपनी जो राइडर है ये और ये नाइट एंड पर नहीं किसी बाइक है जो यहाँ पे है, और एक ये है बाकी उस साइड में जो भी। तो हमारी ये रही Z900 जो हमारी आमिर मस्जिद बाइक के पास थी, जो कि अब नहीं है भाई। बहुत सेक्सी बाइक है और इसका मीटर कंसोल भी चेंज है। यार अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, पीछे पेट्रोल पम्प नहीं था और मेरा एक और सीन हो चुका है कि इसकी बैटरी गोप्रो की पूरा हैंग हो गया था, तो फिर उसको मैंने चार्ज किया। तो फिर अभी मिलता हूँ, फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया उसको, तो फिर अभी चार्ज होने के बाद फिर मैं उसको करता हूँ स्टार्ट। तो यार अपना हो चुका है ब्रेकफास्ट, अब निकलने की तैयारी में यहाँ पे निकलते हैं। अब देखता हूँ कि मैंने कहाँ पे रखी, मेरे को मिल नहीं रही। तो मिल गई नहीं मिलती, तो मेरे पास एक्स्ट्रा एक और की थी वो मैं कैरी कर रखता हूँ। पता नहीं चलता यार टूर में अगर यहाँ इधर उधर होगी तो चाबी कान होने के। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा फॉरचूर होगा। तो यार हमारी बाइक में हो चुका है पेट्रोल ख़त्म, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा रफ चल रही अपनी बाइक, तो इतनी तो चलनी नहीं चाहिए। बट कोई बात नहीं, संडे कभी कभार आते खुल जाए भाई, सब आगे चले गए, नहीं तो इस बार फिर से मेरी इंसल्ट हो जाएगी। उनको पता नहीं मैं तेल ऐसे डलवा रहा हूँ। अदरवाइज़ यार मैं अपने अमृतसर से डलवाता हूँ, जहाँ पर मेरा पेट्रोल पम्प है, जहाँ पर अपना बोल रहा हूँ, जहाँ से मैं डेली डलवाता हूँ। तो एक्चुअली यार यही रीज़न है मैं बाहर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाता। तो सुबह मॉर्निंग टाइम में तो बंद था और उठा में बहुत ज़्यादा लेट था, और भाई ड्रॉप की ड्रॉप तो बाहर निकल कर रब कर दे गई तो सारे। तो यार जल्दी से पड़ जा। सुबह मैंने एक बोतल कैरी कर ली थी, सुबह नहीं ये बहुत मेरे घर पे ऑलरेडी पड़ा होता था तेल थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने कैरी कर ली थी ये। अब इसको साफ करते हैं, चल चले हुए। अबे यार कपड़ा घुस जा अंदर। वो बहुत सच्ची भाई, अपनी तो अमेजिंग लुक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लुक आ रही है अपनी R1। एक तो अपनी R1 होगी, एक तो अपनी ZX800, ZX10R, हार्ले, NS200, रॉयल एनफील्ड GT 650 650, और बलराज की जो कि आया नहीं उसका एक छोटा भाई आया। तो भाई सबसे ज़्यादा जो शाइन दे रही है ना, सबसे अलग रही है बिकॉज ZX10R। भाई इसका तो एक अलग ही लेवल का मजा है यार।
क्या एक अलग ही लेवल है ये भाई, इसको चला के जो अलग ही जो लेवल एक्सट्रीम आते हैं ना भाई, पूरा एक टॉप एंड व्हील है इसका।
सकते हो पीछे ना अच्छी खासी दूर भी चलते हैं पर यहाँ पर बहुत बढ़िया ब्रैंड है। चार्जिंग उठा रहा नहीं उठा रहा इसमें आई डोंट नो। तो आज यार वेदर बहुत अच्छा हो गया, जो ZX रहने वाले भैया थे वो तो चले गए और बाकी रॉयल एनफील्ड 50 और 800 आपको वो भी चले गए। अभी हम छोटे छोटे बाइक वाले हैं तो अभी हम भी चलते हैं। तो यार आ चुके हम वहीं पे जहाँ पे सुबह से मॉर्निंग पे राइड स्टार्ट की थी और डगमगाता हमारा भाई। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से राइड होना है हमें ठीक। आज की संडे राइड यहीं पे समाप्त होती है। तो आज कुछ दिन स्पेशल था क्योंकि बहुत सारी बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक आई थी जो कि ZX10R सबसे टॉप पेन थे यार अच्छी। तो यार यहाँ तो बहुत रेयर होती है बाइक के देखने। यार यहाँ पे बहुत रेयर होती है बाइक के देखने क्योंकि बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, ये दिल्ली में ही है जो कि हर एक गली में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अभी भी इसको लेके। तो यार आई होप इस वजह से तो मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो अच्छे से देखना क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें ट्रैकिंग के हिसाब से डालता हूँ। तो अच्छी लगी वीडियो लाइक एंड शेयर कमेंट और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। आज के लिए सी यू देन, बाय। भाई मैंने वीडियो बंद नहीं की अभी तक, बंद कर दे करण।